नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास शो में रंग बरसे। होली रंगों का त्यौहार है, क्या बच्चे क्या बड़े, सबको होली का त्यौहार लुभाता है। सबको बेसब्री से होली का इंतजार रहता है। रंग लगाना, दोस्तों के घर जाना, होली खेलना, पूरे देश में होली खेली जाती है। जैसे वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, अलीगढ़, हर जगह की होली का अलग ही महत्व है। कई जगह होली हफ्ते भर पहले से शुरू हो जाती है, कहीं रंगों से, कहीं कई जगह फूलों से होली खेली जाती है। मथुरा हो या बरसाना, सब जगह ही होली के रंग में रंगे हुए हैं। होली का त्यौहार ऐसा है जिसमें लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर आपसी भाईचारे का परिचय देते हैं। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति ही ऐसी है, सब भूलकर लोग एक ही रंग में रंग जाते हैं। होली की बात हो और मथुरा का नाम ना आए, ये हो नहीं सकता। लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। एकादशी से ही होली की शुरुआत हो जाती है। बात करें अगर गोकुल की होली की, जहाँ श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया है, यहाँ छड़ी मार होली खेली जाती है। सिर्फ गोकुल में ही ये होली मनाई जाती है। गोकुल में श्री कृष्ण जब छोटे हुआ करते थे तो होली खेलते थे, उनको छड़ी से मारा जाता था। आज भी महिलाएं गोपियां बनकर छड़ी से होली खेलती हैं। यहाँ पालकी में श्री कृष्ण की प्रतिमा लेकर घाट पे जाते हैं और वहाँ पहले फूलों की होली खेलते हैं, फिर छड़ी मार होली, फिर रंगों की होली उसके बाद खेली जाती है। बांके बिहारी जी की प्रतिमा को 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर चढ़ाए जाते हैं। जगह जगह होली का आयोजन होता है। सारा वृंदावन, मथुरा, गोकुल, हर जगह होली में सब सराबोर होते हैं। होली ऐसा त्यौहार है जिसे हर कोई मनाना पसंद करता है, चाहे किसी भी समुदाय के हों, किसी भी रिलीजन के भी हो सकते हैं। क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, होली सबका पर्व है। बच्चे होली इतना मिलकर खेलते हैं कि उसको तो भूलना ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि होली के ख़त्म होने के बाद भी कुछ बच्चे हफ्तों भर होली के रंग में डूबे रहते हैं। गुब्बारे भरना, लोगों को पिचकारियों से मारना, बच्चों का तो ये शौक ही होता है। आज के लिए बस इतना ही। नज़र टुडे की तरफ से आपको होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद।